प्रिय विद्यार्थियों, ये है कक्षा 10वीं की गणित और इसकी प्रश्नावली 1.2 है। इसका दूसरा सवाल कर रहे हैं हम। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। तो यहाँ पर संख्याएँ दी है, पहला है 2691, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो यहाँ पर हम पहले सवाल कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर हमको 2691 दोनों के निकालना पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो निकालते हैं, ये है 26 में 6 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा, तो ये 13 एकम 13 हो गया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 26 के 2 गुणित 13। 91 के देखें, 91 में भाग जाएगा 7 का, केवल 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 21 हुए, 7 3 21, 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 गुणित 13। अब यहाँ पर HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, ये निकाला मैंने पहले HCF निकाला। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ हो। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो ये हो गया HCF। और LCM क्या होगा, अलग अलग प्रकार की जो भी संख्याएं हैं दोनों में उनका गुणनफल। तो देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 एक बार आ गया, 13 है इसमें 13 है, तो 2 13 में से 1 13 आ गया, और यहाँ पर 7 है इसमें नहीं है पर इसमें है, तो ये 7 हो गया। अब इनका गुणनफल करो तो कितना होगा, 13 दूनी 26, 2 का कोरा अभी, अब 7 है गुणित 7, 7 का गुणा करो, 7 6 42 का 2, हाथ क्या है 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 182 क्या आ गया, LCM आ गया, और HCF क्या आ गया, 13 आ गया। अब आपने क्या सिद्ध करना है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो दो संख्या अपने पास कौन सी है, 2691, तो इनका गुणनफल करो 2691 बराबर LCF। अब निकालना है HCF गुणित LCM, तो HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182, इनको अपने को बराबर सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर 26 का इसमें गुणा करें या 91 का इसमें गुणा करें, तो इधर अलग से गुणा करके बताता हूँ मैं आपको। 91 में से 26 का गुणा करा, 6 एकम 6, 6 9 की 54 गुणित 2 एकम 2 और 2 9 18, ये हो गया 6 आ गया, 4 और 2 6, 5 और 8 13 के 3, हाथ का आया 1 1 और 1 2 2366। अब इनका गुणा करके देखें, 13 का इसमें डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26 का 6, हाथ क्या है 2 13 8 104 और 2 106 का 6, हाथ के कितने आए 10, और 13 एकम 13 और 10 23, तो इधर कितना आया 2366, और इधर 91 और 26 का गुणनफल भी कितना आ गया 2366। तो ये अपना सिद्ध हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। अब हम करेंगे ये दूसरा सवाल। अब देखें दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है अपने पास 510 और 92, तीन के अभाज्य गुणनखंड करें। तो पहले करा 510 का, अब देखो ये शून्य है, सम संख्या है, 2 का भाग चले जाएगा, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 1 पे 1 11, 2 पंजा 10, फिर 11 में से 10 गया 1, 1 के ऊपर 0 2 पंजा 10। अब इकाई अंक का 5 आ गया, तो 5 से भाग जाएगा, 5 पंजा 25 और 5 एकम 5, अब इसमें जाएगा 5 और 6 है, तो 6 में 3 का भाग चले जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 एकम 3 बचे 2, 21 हुए 3 सते 21, अब केवल 17 का ही भाग जाएगा, 17 एकम 17। अब अपने पास देखो अलग अलग 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है,
और फिर उसके बाद में 17 है, तो 2, 3, 5, 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 92 की निकालें, 92 में 2 का भाग चले जाएगा, तो 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, 12 हुआ 2 छिंग 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा 23 में, तो 23 एकम 23, तो यहाँ पर अपने पास मान क्या गया है, देखो 2 × 2 × 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 92 के हैं, और 510 के ये हुए। अब देखो इनके HCF और LCM, HCF क्या होता है, HCF जो दोनों में हो, तो देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक तो 2 आ गया। अब इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। 3 इसमें है इसमें नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। 17 इसमें है इसमें नहीं है, जो दोनों में हो वही। 23 इसमें है इसमें नहीं है, तो नहीं, केवल HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब LCM निकालें, तो LCM में अलग अलग संख्याएं हैं, 2 2 इसमें है, इसमें अपनों ले लिया है। अब पर यहाँ एक और 2 है, ये इसमें नहीं है पर इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरी बार है। इधर 5 है इसमें नहीं है, तो ये लेना पड़ेगा। देखो अपनों ने क्या क्या ले लिया है, 2 ले लिया है, ये 5 ले लिया है, और उसके बाद में देखो इसमें 3 है इसमें नहीं है, तो इसमें लेना पड़ेगा। फिर 17 है इसमें नहीं है, तो भी एक बार लेना पड़ेगा। और इसमें 23, इसमें 23 है इसमें नहीं है, तो भी लेना पड़ेगा, एक एक बार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा LCM, तो इनका गुणा करके देख लेते कितना होता है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, तो ये हो गया 60 × 17 × 23। अब 17 का 60 में गुणा करें, 17 × 0 = 0 और 17 × 6 = 102, गुणित 23 है। अब 23 का गुणा हो सकता है सीधा सीधा, क्योंकि 2 तक ही जाना है अपने को, 23 × 0 = 0, 23 × 2 = 46 का 6, हाथ क्या है 4, 23 × 0 = 0 और 4 = 4, और 23 एकम 23। तो यहाँ पर LCM कितना आ गया इसका, LCM इसका आ गया 23 460, और HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब अपनों को ये देखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, तो यहाँ पर है अपने पास, ये अभी नहीं कर रहे हैं इसको बाद में करेंगे, 510 और 92, यहाँ लिखा मैंने 510 और 92 का गुणा करते हैं कितना आता है, तो 510 लिखा मैंने, 92 लिखा, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, 1020 हुए। 9 का गुणा करा, 9 × 0 = 0, 9 × 1 = 9 और 9 × 5 = 45, ये हो गया 0, ये आ गया 2, 9, 1 और 5 = 6 और 4, तो 46 920 आया। ये आया दो संख्याओं का गुणा। अब यहाँ पर देखो, देखो 23 460 LCM का गुणा है ना, LCM का मान है, और ये HCF है, तो इन दोनों को गुणा करें कितना आएगा, देखो यहाँ पर HCF गुणित LCM, तो HCF गुणित LCM, तो 2 का इसमें गुणा करें, तो देखो सीधा सीधा हो रहा है, 2 × 0 = 0, इसका 2 का सीधा गुणा कर देता हूँ, तो 2 × 0 = 0, 2 छिंग 12 के 2 हाथ का 1, 2 चौक 8 और 1 9, फिर 2 3 = 6 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आया 46 920, और इधर भी कितना आया 46 920, तो दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणित LCM, तो ये अपना दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब करेंगे अपन तीसरा वाला, ये है तीसरा सवाल। तो यहाँ पर 336 और 54 हैं, तो इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 336 का देखते हैं, इसमें 2 का भाग चले जाएगा, तो 2 एकम 2, बचा 1 13 हुआ, 2 छिंग 12, बचा 1 16 हुआ, 2 अठी 16, फिर 2 का भाग दिया, तो 2 अठी 16 और 2 चौक 8, फिर 2 का भाग दिया, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अब 3 का भाग जाएगा, तो 3 × 7 = 21, अब 7 में केवल 7 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणन क्या हो गए, 1 2 3 4, 2 2 4 बार,
ये चार बार हो गए दो दो, फिर तीन और सात हैं, तो ये 3 × 7 तो ये हो गए 336 के गुणनखंड। अब 54 के देखें, इसमें 2 का भाग दिया तो 2 × 2 = 4, बचा एक 14 भाग, 2 × 7 = 14। अब 3 का भाग जाएगा, 3 × 27, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 × 1 = 3। 30 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 3, 3 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार है। अब अपन देखें इनके HCF और LCM देख ले पहले। तो HCF क्या आएगा, देखो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में हो, तो जितनी भी संख्या दोनों में होगी उभयनिष्ठ, उनका आपस में गुणा। तो देखो यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर है 2, तो 1 ले लिया अपनों ने 2। अब ये 3 3 3 बार है, इधर 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार ये ले लिया जो दोनों में है, हो गया। अब ये 3 3 2 बार है पर इसके अलावा नहीं है, इधर 2 2 3 बार है पर इधर नहीं है, 7 है पर इधर नहीं है, तो जो दोनों में है केवल दो संख्या आई, 2 × 3, तो 2 दिया, हो गया 6। अब LCM देखें तो LCM क्या रहेगा, दोनों में मतलब सभी प्रकार की संख्याओं का गुणा, पर अगर दोनों में अगर है उभयनिष्ठ है तो उसमें से कोई एक लेंगे। तो देखो दो दो, दो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 1 बार लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 बार लेंगे। अब बाकी की जो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा। 3 3 2 बार है, इधर नहीं है, पर 1 बार लेना पड़ेगा। फिर 2 2 3 बार है, इधर नहीं है, तो 1 बार लेना पड़ेगा। इधर है 7, ये लेना पड़ेगा 7। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 × 108, 108 × 216, 216 × 432 का 7 में गुणा करा, तो ये हो गया 7 × 14 = 4, हाथ का आया 1, 7 3 21 और 1 22 = 2, हाथ के आए 2, और 7 4 28 और 2 30, तो 3024 आया। अब अपने को ये सिद्ध करना है दो संख्याओं के गुणन पर बराबर HCF × LCM, तो दो संख्याएं देखो अपने पास क्या है, 336 और 54, तो यहाँ इनका गुणा करते हैं, 336 और 54 का गुणा, और इन बराबर क्या करना है, HCF × LCM, तो LCM कितना आया है, 3024, तो 3024 बड़ी संख्या है HCF और LCM में, तो इसको ऊपर लिख दिया, और HCF जो है 6 है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे, 4 6 24 = 4, हाथ के आए 2, 4 3 12 और 2 14, 14 = 4, हाथ का आया 1, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30 = 0, हाथ के आया 3, 5 3 15 और 3 18, 18 = 8, हाथ का आया 1, और 5 3 15 और 1 16, जोड़ते हैं 4 4, 3 और 8 11 का 1, हाथ का आया 1, 1 और 1 2 और 6 8, और ये हो गया 1, तो ये हो गया 18144। इधर देखें 6 6 24 = 4, हाथ के आए 2, 6 2 12 और 2 14, 14 = 4, हाथ के आया 1, 6 0 0 और 1 1, और 6 3 18 = 18, तो ये आ गए 18144 बराबर 18144, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 336 और 54 का गुणनफल बराबर HCF × LCM, तो HCF ये है और LCM ये है, तो ये आपस में बराबर हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल पूर्ण हो गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।